सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। क्या आ रहा है भाई, कहीं को ऐसा मुंह लटका लेकर ठहरा हुआ है? हाँ, कौन की एक पोटा दरवाजे पे चिट्ठी चिपका के चले गया। तो चिट्ठी चिपका देता, मुंह लटका के परेशान होने की जरूरत क्या है रे भाई? लिफाफे में ये गोली और ये लेटर मिला, और ये लेटर में लिखे हुआ है मेरी बहन से मिलना छोड़ दे, नहीं तो ये गोली तेरी गाफ में मार देता हूँ। अरे आखिरी किराग दिख रहा रे वो इसका भाई, जान दे रे वो, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। अरे वो परेशानी है रे भाई, किस किस को छोड़ू, उन्हें चिट्ठी में उसकी बहन का नाम इतने लिखा। इसके वास्ते बोलते रे भाई, एक रहना नेक रहना, ये चुप चिगड़ कामा नहीं कर लेना, ता घर को जा। अरे मोहतरमा का मूड ऑफ दिख रहा, अब घसली तो बैगन में मिलना थी, सबसे पहले मोहतरमा का मूड ठीक करेंगे। अरे कावा, ऐसा कहकर मुंह को लटका के बैठे तो? अच्छा सुनो, मैं कल रात में एक जबरदस्त ख्वाब देखा, और ख्वाब में एक परी को देखा। Really? हाँ, और परी में को क्या पूछी मालूम है? क्या पूछी? उन्हें बोली कि बोलो तेरी क्या ख्वाहिश है, मैं पूरी करती हूँ। तो फिर आप क्या बोले? मैं बोला मेरे को हर मुसीबत से, हर बला से मेरी बीवी की हिफाजत फरमा बोला। तो सीधा सीधा मुंह पे नहीं करती बोल दी। कई को नहीं करती, कहते पूछना था उससे। पूछा मैं। फिर क्या बोली उन्हें? उन्हें बोली कि एक परी दूसरी परी की कैसी हिफाजत कर सकती। देखे कितना झूठ बोलना पड़ता बीवी को खुश करने के वास्ते, ये दर्द सिर्फ एक मर्द ही समझ सकता। अच्छा सुनिए। सुनाइए। मेरे साथ आपके 10 साल क्या है? 1 सेकंड के बराबर है। और मेरे वास्ते आपकी नजर में 10,000 की क्या अहमियत है? 1 रुपये के बराबर है। ठीक है, फिर 1 रुपये दो। तो फिर 1 सेकंड रुको। क्या कंजूस आदमी है भाई। पैसे होना कहते 1 सेकंड 1,000 10,000 मां। अच्छा सुनिए। जी बोलिए। मैं सुनी थी कि जन्नत में मियां बीवी साथ में नहीं रहते कहते ना। जी हाँ बिल्कुल सही सुने आप। मगर कई को ऐसा? अरे इसके वास्ते तो उसको जन्नत बोलते ना। अरे अरे एक मिनट एक मिनट। हेलो, क्या कौन? पांक। कब? पांक पांक। कैसा? सही भी? आ जाओ। यस। हमारी किस्मत में नहीं है ऐसा टुकड़ा। क्या जी? क्या? अच्छा सुनो, आपको मालूम मैं आज गधों के बारे में पढ़ रही थी। एक गधा अपनी गधी के सिवा कोई दूसरी गधी को नहीं देखता कभी। इसके वास्ते गधा बोलते हैं उसको। अच्छा सुनो, आपकी वाइफ को हमारे बारे में मालूम ना? आई होप आप अकेले होंगे। आई डोंट वांट एनी डिस्टर्बेंस, डू नॉट डिस्टर्ब।
तू आ तो सही, ऐसा डिस्टर्ब करती हो, देखो तेरी नानी आता जाना। कैसा दिख रहा? जबरदस्त दिख रहा है ना? परसों किया जारा से। जरा भी अच्छा नहीं दिख रहा। और ये कैसा कलर है ये? मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद ये कलर। तो माँ को पसंद नहीं है तो क्या हुआ? ये कलर मेरी कजिन का फेवरेट है। जरा भी पसंद नहीं आया, ऐसा वरन जैसा कि तुम्हारी पसंद की फिकर है। ये सनग्लासेस घर में कौन पहनते? तुम्हारे चचा? मैं ही पहनता हूँ, हमारे चचा को नंबर क्या है ना के? अब उन्हें आती चाहिए। आ गई है। अभी ये बटर नान और ग्रिल चिकन फ्रॉम लेबनीज ग्रिल और ये स्पेशल बिरयानी ये आपके वास्ते तो नहीं होंगी, कोई खास मेहमान आया उसके वास्ते होंगी। कई को बोल तो आपके वास्ते उन्हें आज तक अंडा करी पफ भी नहीं मंगाया, ये क्या मंगा था? अम्मी अब्बा है क्या? नहीं नहीं नहीं, आपके वास्ते अंडा करी पफ नहीं मंगाया तो अम्मी अब्बा के वास्ते चकोड़िया भी नहीं मंगाता उन्हें। कोई खास मेहमान आया जैसा है, मेरे को तो डाउट दिख रहा। हेलो, हाँ कैसा? हाँ एक मर्द पोटी के वास्ते जोरू को छोड़ दिया करते, मैं जाके आपको केस आया हुआ है मेरे को। अजी ये कौन सी कजिन है जिसके वास्ते इतना खर्चा करे? आज तक का मेरे वास्ते बेकरी से एक अंडा करी पफ तो भी लाए। तुम्हारे सूरती अंडे की वैसी है जी, तुम्हारे अंडा करी पफ कहीं को? मैं अंडे की जैसी हूँ, तुम अपनी शक्ल देखे कभी? कहा मेरी सूरत को? मेरी सूरत माशाल्लाह जबरदस्त है, खाली चेहरे से नूर टपकता। चेहरे से नूर टपकता? पिचके हुए टमाटर की जैसी है सूरत तुम्हारी। ए, ज्यादा बातें ना करो, सीधा अंदर जाके तरीके से निकालो और सलीके से निकालो। इज्जत रहे तो बेइज्जत करते। इज्जत करते इज्जत भाई की मार्केट में बहुत इज्जत है। वैसे क्या है ना, आज मेरी बहुत प्यारी बहुत हर दिल अजीज कजिन मेड से मिलने के वास्ते आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर बिकॉज उन्हें बहुत अच्छी है। उसको आप लगा एक बार देखे ना, आप लगा भी उसके दीवाने हो जाते बिकॉज शी इज वेरी ब्यूटीफुल प्रिटी क्यूट एंड स्वीट। ब्यूटीफुल प्रिटी क्यूट स्वीट, मैं क्या हूँ? कड़वा करेला? जहर हूँ? नहीं, मिर्ची की जैसी तेज हूँ जो मेरी हर बात से जलते रहते। अरे मिर्ची की जैसे तेज वो भी तुम। देखो मिर्ची की जैसे तेज मर्द रहता मर्द। मिर्ची कितनी भी तेज रहने दो, औरता उसका अचार डालिज देते। तुम अचार डालते वक्त डालो जी, पहले सही से रोटी तो डालना सीखो, हमेशा रोटी जलाते तुम। मैं क्या रोटियां जलाती हूँ, रोटी खुद ही जल जाती मेरी खूबसूरती से। अच्छा खूबसूरती देख के रोटी जल जाती है। मैं कितनी स्मार्ट हूँ? नहीं हाँ बहुत स्मार्ट है। अच्छा आपको क्या ज्यादा अच्छा दिखता, मेरी खूबसूरती या फिर मेरी अकलमंदी? मेरे को आपके मजाक करने की आदत अच्छी दिखती है। अच्छा सुनो जी, ज्यादा खूबसूरत कौन दिखते हैं आपको, मैं या आपकी वो कजिन? मेरी कजिन और आप दोनों भी खूबसूरत है। नहीं कंपेयर करके बोलो, ज्यादा खूबसूरत कौन दिखते? आपके वाला मैगी, उसके वाला हिप्पी मैगी। आपके आंखें जहर, उसके आंखें नशीले। आप फूलों का गुलदस्ता, उन्हें फूल का बाग। आप दूध पेड़ा, उन्हें गुलाब जामुन। और आप एक मिनट, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं या मेरी बेइज्जती? और ये कौन से कजिन है जो मेरे को आज तक नहीं दिखी, ना अपनी शादी में आई, ना अपनी वलीमे में आई, ना कभी अम्मी मेरे को उससे मिलाए। हाँ ये अचानक कौन सी कजिन पैदा हो गए? उन्हें आ रही ना, देख लो तुम उसको। देखती हूँ उसको भी देखती हूँ और तुम्हारा को भी देखती हूँ। तुम पहले खुद को देखो जी, कोई भी घर में आके तुम्हारा को देखा तो तुम काम वाले दिखना। काम करने वाली? हाँ काम वाले। एक बार तुम अपने आप को देख लो शीशे में। कहा मेरे को जबरदस्त है अपन। जबरदस्त वो चार मीनार का नाड़े बेचते नहीं, वैसे दिख रहे तुम।
ये जो नाड़े है ना तुम्हारी वो कजिन कुछ बेचो समझे मैडम नाड़े नाड़े ना मैडम एकदम मजबूत नाड़े फांसी भी डाल ले सकते नाड़े तुम और तुम्हारी कजिन डाल लो फांसी मैं कहीं को डालू नाड़े कब से आ रही मेरी प्यारी कजिन तुमसे मिलने की तमन्ना है प्यार का इरादा है और एक वादा है जान जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यूं ही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी ही होके रहना कभी ना कहना ओ गरीबों के शाहरुख खान अपनी फुट्टी रेडियो बंद करो कौन सी की कजिन है जिसकी खुशी में इतने गाने गाए जा रहे मेरी खुशी में एक भी गाना गाए जी तुम आज तक अरे तुम्हारे खुशी का तो मेरे को याद नहीं है भाई मगर मैं तुम्हारे गम में बहुत गाने गा लिया भाई और थोड़ा गम अगर बढ़ जाता था ना तो मैं अरिजीत सिंह बन गया था अभी तक पहले बाथरूम सिंगर बनो जी और ये कौन सी सड़ी कजिन का कॉल आया जिसका कॉल आते कि तुम गिरगुट के जैसा रंग बदल दिए शादी से पहले क्या बोले थे दुनिया की कोई भी ताकत हमारे बीच में नहीं आ सकती और ये कौन सी सड़ी कजिन का कॉल आ गया उसके बाद से उन्हें खुशी हो गई और मैं गम हो गई यही था तुम्हारा कमजोर वादा अरे अरे तुम गलत समझ रहे हो मेरे को मैं आज भी वही बोलता हूँ अपने जबान पे खड़े हुआ हूँ कि अपन दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता मगर मैं तो आ गई तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अगर बेल आइकन नहीं प्रेस करें तो प्लीज प्रेस करो क्योंकि हर हफ्ते हमारी दो वीडियोस आती है और आप लोगों को बहुत मजा आएगा yes. और एक मिनट और आप ये वीडियो खास करके उन लोगों के साथ आप ना बैठ के देखो या इन लोगों को शेयर करो जिसकी नई नई शादी हुई और जिसकी होने वाली है खास करके देखो आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस मिलता है समझे कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है क्या हो सकता रेडी रहना आप लोग इन चीज़ों का सर ठीक है तो अपन कल शूट कर रहे हैं तबीयत खराब हो रही जरा मैं कल नहीं आना चाह रही थी देखेंगे ऑफिस के में रखा है चलो शूटिंग है कहाँ थे एक मिनट आपका एक मिनट होना है मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला हूँ जैसा आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते हैं वैसे ही अब जो है सो आप क्लैप कर सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि क्लैप का है क्लैप के थ्रू का है आप हमको पे कर सकते हैं जो आपकी मर्जी है कितने भी आपकी मर्जी रुपया हजार दस हजार करोड़ दस करोड़ कितने भी पे कर सकते हैं आपको जबरदस्ती नहीं है मर्जी का मसला है जो इंटरेस्टेड है उनके वास्ते में एक प्रोसेस बता रहा सिंपल प्रोसेस है आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम है क्लैप साइड में आपको लोगो दिख रहा होगा तो उसके बाद जो है सो आप उसमें आपका फोन नंबर से रजिस्टर करना है उसके बाद सिंपल प्रोसेस है आप हम आपको क्लैप कर सकते हैं क्लैप करने का प्रोसेस क्या है बोलता सबसे पहले जो आप हमारा वीडियो देखते हैं शेयरिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना उस पर क्लिक करने के बाद जो है सो आपको नीचे बताता व्हाट्सएप ये वो ये बोल के वहाँ पे क्लैप को सिलेक्ट कर लेना आप उसको सिलेक्ट करने के बाद आप पे करो जितने आपको पे करना है लाइक आपकी मर्जी का मसला है तो सिंपल प्रोसेस है इजी प्रोसेस है अगर आप लोग हमारे वीडियो अच्छे देखे आप पे करना चाहें तो यू कैन ठीक है ये कोई फोर्स वाली बात नहीं ऑप्शन मसला है आपकी मर्जी भाई नो जबरदस्ती कुछ भी नहीं है उस्ताद नहीं अलग कुछ भी नहीं ठीक है तो बाय बाय टेक केयर खुदा हाफिज़ लाइक कमेंट शेयर एंड क्लैप